नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ये है कलयुगी पापा और दादा, बेटी जन्मी तो मांग रहे 30 लाख का दहेज। छत्तीसगढ़ की बेटी मुसीबत में। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की एक बेटी मुसीबत में है। मुसीबत में इसलिए क्योंकि जब से उसने लक्ष्मी बेटी को जन्म दिया है, तब से उसके कलयुगी पापा और दादा ने दहेज की मांग शुरू कर दी है। ससुराल वालों से परेशान होकर पत्नी अपनी बेटी को लेकर मायके आ गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस से शिकायत के बाद बच्ची के दादा और पिता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शहर में रहने वाली एक महिला की शादी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुई थी। शादी के बाद महिला के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही महिला ने एक बेटी को जन्म दिया तो ससुराल में परिवार का पूरा माहौल ही बदल गया। बेटी के जन्म होने से ससुराल पक्ष के लोग न सिर्फ नाराज थे, बल्कि उन्होंने महिला से दहेज की मांग शुरू कर दी। इसके बाद महिला ने थाने में आकर ससुरालियों की शिकायत कर दी। महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसका विवाह श्रीकाकुलम में रहने वाले वाई भास्कर राव के साथ वर्ष 2015 में हुआ था। इसके बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन वर्ष 2017 में जब महिला ने बेटी को जन्म दिया तो पति के अलावा अन्य लोगों का व्यवहार बदल गया और वे महिला से दहेज के रूप में 30 लाख रुपए की मांग करने लगे।